बीए पार्ट सेकंड संस्कृत। प्रथम प्रश्न पत्र, संस्कृत साहित्य का इतिहास। उपजीव्य काव्य। प्रत्येक साहित्य में प्रतिभाशाली कवियों की लेखनी से प्रसूत कतिपय ऐसे मर्मस्पर्शी काव्य हुआ करते हैं जिनसे स्फूर्ति तथा प्रेरणा लेकर अवान्तरकालीन कविगण अपने काव्यों को सजाया करते हैं। ऐसे काव्यों को हम व्यापक प्रभाव संपन्न होने के हेतु उपजीव्य काव्य के नाम से पुकार सकते हैं। संस्कृत साहित्य में भी ऐसे उपजीव्य काव्य विद्यमान हैं जिनसे संस्कृत भाषा तथा अर्वाचीन प्रांतीय भाषाओं के कवियों ने अपने विषय के निर्देश के लिए तथा काव्य शैली के विमल विधान के निमित्त सतत उत्साह तथा अभ्रांत स्फूर्ति ग्रहण की और आज भी कर रहे हैं। ऐसे उपजीव्य काव्य संख्या में 3 है, रामायण, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत। इन तीनों का अवान्तर काव्य साहित्य के ऊपर बड़ा ही विशाल मार्मिक तथा अभ्यंतर प्रभाव पड़ा। उपजीव्य काव्य के अंतर्गत सर्वप्रथम आती है रामायण। संस्कृत साहित्य में महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण आदि काव्य समझा जाता है तथा वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। कथा प्रसिद्ध है कि जब व्याध के बाण से विदेह वे क्रौंच के लिए विलाप करने वाली क्रौंची का करुण शब्द ऋषि ने सुना तो उनके मुंह से अकस्मात ये श्लोक निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठास्तम गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाथ एकम पति काम मोहित। बालकांड में ये श्लोक आया। इसका आशय यह है कि हे निषाद, तुमने काम से मोहित इस क्रौंच पक्षी को मारा है, अतः तुम सदा के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त न करो। महर्षि की इस कल्याणमय वाणी को सुनकर स्वयं ब्रह्मा उपस्थित हुए और उन्होंने रामचरित लिखने के लिए उनसे कहा। रामायण की रचना इसी प्रेरणा का फल है। वाल्मीकि अनुष्टुप छंद के आविष्कारक माने जाते हैं। उपनिषदों में भी अनुष्टुप छंद है, परंतु लौकिक संस्कृत में विवृत होने वाले सम अक्षर से युक्त अनुष्टुप का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि ने ही किया, जिसमें लघु गुरु का विशेष नियमबद्ध था। बहुत से विद्वान लोग उत्तरकांड को तथा बालकांड के कतिपय अंश को एकदम प्रक्षिप्त मानते हैं। उनका कहना है बालकांड के प्रथम और तृतीय सर्ग में जो विशेष सूची दी गई है उसमें उत्तरकांड का निर्देश नहीं है। जर्मन विद्वान याकोबी मूल रामायण में अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक 5 ही कांड मानते हैं। लंका कांड के अंत में ग्रंथ के अंत होने की सूचना से प्रतीत होती है, इसलिए उत्तर कांड को पीछे से जोड़ा गया माना जाता है। इस कांड में कुछ ऐसे आख्यानों की चर्चा है जिनका संकेत पहले के काव्यों में नहीं मिलता, फिर भी हम ये नहीं कह सकते ये बहुत पीछे जोड़ा गया है। बौद्धों में एक प्रसिद्ध जातक है दशरथ जातक, जिसमें रामायण का वर्णन संक्षेप रूप में उपलब्ध होता है। इसमें पाली भाषा में रूपांतरित उत्तरकांड का एक श्लोक हूबहू मिलता है। इस जातक का समय विक्रम पूर्व तृतीय शतक माना जाता है, अतः मानना पड़ेगा कि उत्तरकांड की रचना उस शतक से पहले की है। इस आदि काव्य को चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहते हैं, अर्थात में 24,000 श्लोक है। ठीक उतने ही हजार जितने गायत्री के अक्षर है। प्रत्येक 1,000 श्लोक का पहला अक्षर गायत्री मंत्र के ही अक्षर से क्रमशः आरंभ होता है। कुछ विद्वानों का कहना है अनुष्टुप श्लोकों के अतिरिक्त अन्य छंदों में भी पद्य मिलते हैं। विद्वान लोग इस ग्रंथ में स्थान स्थान पर शेपक भी मानते हैं, परंतु काव्य में एकता का कहीं भी अभाव नहीं दिखाई पड़ता है। ग्रंथ में पाठ भेद भी कम नहीं है। उत्तरी भारत, बंगाल, काश्मीर तथा दक्षिण भारत से रामायण के जो संस्कार उपलब्ध होते हैं उनमें पाठ भेद बहुत ही अधिक है। उनमें एक दूसरे से श्लोकों का ही अंतर नहीं है, प्रत्युत कहीं कहीं तो सर के सर भिन्न दिखाई पड़ते हैं। वाल्मीकि रामायण का पाठ एक रूप नहीं है। आजकल इसके 3 पाठ प्रचलित हैं, दाक्षिणात्य पाठ, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बम्बई, निर्णय सागर प्रेस बम्बई तथा दक्षिण के संस्करण। ये पाठ अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित तथा व्यापक है। गौड़ीय पाठ, गोरेसियो पेरिस तथा कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के संस्करण। तीसरा है पश्चिम उत्तरीय पाठ, दयानंद महाविद्यालय लाहौर का संस्करण। इन पाठों की समीक्षा करने से गौड़ीय एवं पश्चिम उत्तरीय पाठ अपेक्षाकृत बहुत निकट प्रतीत नहीं होते। इन दोनों पाठों में दाक्षिणात्य पाठ के आर्ष प्रयोग एक समान ही सुधारे गए हैं, फलतः दाक्षिणात्य पाठ अपेक्षाकृत मौलिक एवं प्राचीन माना जाता है। प्रतीत होता है कि ईस्वी पूर्व की शताब्दियों में आदि रामायण के 2 पाठ धीरे धीरे भिन्न होने लगे थे, उदीच्य पाठ तथा दाक्षिणात्य पाठ। गौड़ीय तथा पश्चिम उत्तरीय पाठों में विभिन्नता होते हुए भी मूलतः समानता है।
समय निरूपण वाल्मीकि रामायण के निर्माण का समय बाहरी तथा भीतरी प्रमाणों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। राम वैदिक बौद्ध तथा जैन धर्मों में समभाव से मर्यादा पुरुष माने जाते हैं। बौद्ध साहित्य में तथा जैन साहित्य में राम कथा का निर्देश स्पष्टतया किया गया है। बौद्ध कवि कुमारलात 100 ईस्वी की कल्पना मंडितिका में रामायण के सर्वसाधारण में वाचन का उल्लेख है। जैन कवि विमल सूरी ने राम कथा को पौंचर्य नामक प्राकृत भाषा में महाकाव्य में निबद्ध किया है। विमल सूरी ने इस काव्य की रचना महावीर की मृत्यु से 530 वर्ष के अनंतर लगभग 62 ईस्वी में की। यह काव्य वाल्मीकि रामायण को आदर्श मानकर जैन धर्मावलंबियों को इस मर्यादा पुरुष के चरित्र से परिचय प्राप्त कराने के लिए लिखा गया। महाकवि अश्वघोष 78 ईस्वी ने बुद्ध चरित्र में सुंदरकांड के अनेक रमणीय उपमाओं और प्रेक्षाओं को निबद्ध किया। बौद्धों के अनेक जातकों में राम कथा का स्पष्ट निर्देश है। दशरथ जातक तो रामायण का पूरा आख्यान ही है, जिसमें राम पंडित बुद्ध के ही समकाल पूर्वकालीन प्रतिनिधि माने गए हैं। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक भी इस जातक में पाली रूप में उपलब्ध होता है। जातकों का समय निरूपण झमेले का विषय है, यद्यपि उनकी कथाएं प्राचीन काल में इस देश में प्रचलित थीं, तथापि उनका समय तृतीय शतक ईस्वी पूर्व में साधारणतः माना जाता है। इन बाहरी प्रमाणों के आधार पर रामायण तृतीय शतक ईस्वी पूर्व से भी पहले की रचना सिद्ध होती है। रामायण का अनुशीलन उनकी रचना के समय को भलीभांति प्रकट कर रहा है। रामायण के समय की राजनीतिक अवस्था का परिचय इस महाकाव्य के अध्ययन से भलीभांति मिलता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 500 ईस्वी पूर्व में मगध नरेश अजातशत्रु ने की। पहले यह एक साधारण ग्राम था, इसका नाम बौद्ध ग्रंथों में पाटली ग्राम दिया गया है। अजातशत्रु ने शत्रु लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा करने के निमित्त गंगा सोन के संगम पर इस ग्राम में किला बनवाया। इनके पिता बिम्बिसार की राजधानी राजगृह पर या गिरिब्रज थी। रामायण में राम सोन और गंगा के संगम से होकर जाते हैं, पर पाटलिपुत्र का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता। इससे स्पष्ट है रामायण 500 ईस्वी पूर्व से पहले लिखा गया। कौशल जनपद की राजधानी रामायण में अयोध्या बतलाई गई है, परंतु जैन और बौद्ध ग्रंथों में अयोध्या के स्थान पर ये साकेत नाम से ही प्रख्यात है। लव ने अपनी राजधानी श्रावस्ती में स्थिर की। रामायण की रचना तब की गई होगी जब अयोध्या को छोड़कर श्रावस्ती में राजधानी नहीं लाई गई थी। बुद्ध के समय में कौशल के राजा प्रसेनजीत श्रावस्ती में राज्य करते थे, अतः रामायण की रचना बुद्ध से पूर्व काल में हुई। गंगा पार करने पर राम विशाला में पहुंचे। इसके वर्तमान राजा का नाम सुमति था। ईश्वाकु की अलम्बुसा नामक रानी से उत्पन्न विशाल नामक पुत्र ने इस नगरी को बसाया था, इसलिए विशाला नाम से विख्यात था। रामायण में विशाला और मिथिला दो स्वतंत्र राजतंत्र राज्य थे। बुद्ध के समय में दोनों राज्य पृथक और स्वतंत्र न होकर वैशाली राज्य के रूप में सम्मिलित कर दिए गए थे, और शासन पद्धति भी गणतंत्र राज्य के समान थी। अतः रामायण को बुद्ध से प्राचीन होना चाहिए। बालकांड की सूचना के अनुसार उत्तरी भारत कौशल अंग कान्य कुब्ज मगध मिथिला आदि अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। ये राजनीतिक अवस्था बुद्ध पूर्व भारत में ही दृष्टिगोचर होती है। सारे रामायण में केवल दो पद्यों में ही यमनों का समय का नाम आता है। इसी सामान्य आधार पर जर्मन विद्वान डॉक्टर वेबर ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि रामायण पर यूनानी सभ्यता का प्रभाव पड़ा है, पर याकोबी ने इन्हें प्रशिक्षित किया है, अतः यूनानी आक्रमण के अनंतर ये पद्य रामायण में मिला दिए गए होंगे। इन प्रमाणों के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रामायण की रचना बुद्ध के जन्म से पहले ही हुई है, अर्थात रामायण को 500 ईस्वी पूर्व से पहले की रचना मानना न्याय संगत है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि हैं तथा उनका रामायण आदि काव्य। उनकी कविता देश तथा काल की अवधि के द्वारा परिच्छिन्न नहीं की जा सकती। वे उन विश्व कवियों में अग्रणी हैं जिनकी वाणी एक देश विशेष के प्राणियों का ही मंगल साधन नहीं करती है और ना किसी काल विशेष के जीवों का मनोरंजन करती है। काल क्रम से संस्कृत साहित्य के विकास में आदिम होने पर भी वाल्मीकि की अमृतमय वाणी में सौंदर्य सृष्टि का चरम उत्कर्ष है तथा मैंने काव्य कला का परम औदित्य है। वाल्मीकि का रामायण मैंने कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है।
रामायण का अंगीरस कमुनि है। आदि कवि ने अपने काव्य मंदिर की पीठ पर प्रतिष्ठित किया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। विभिन्न विकट परिस्थितियों के बीच में रहकर व्यक्ति अपने शील के सौंदर्य की किस प्रकार रक्षा कर सकता है, यह हमें वाल्मीकि ने ही सिखलाया है। रामायण को जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार उसमें नई नई बातें सूझती है। राम का शील अत्यंत मधुर है, वे सदा दान करते हैं, कभी दूसरे से प्रतिग्रह नहीं लेते, अप्रिय कभी नहीं बोलते, साधारण स्थिति की बात नहीं, प्राण संकट उपस्थित होने की विषम दशा में भी सत्य पराक्रम वाले राम इन नियमों का उल्लंघन नहीं करते। अपने कुटुंबियों के प्रति उनका व्यवहार कितना कोमल तथा सहानुभूतिपूर्ण है। वाल्मीकि की दृष्टि में मानव जीवन में सबसे श्रेष्ठ पदार्थ चरित्र, और चरित्र से युक्त व्यक्ति की खोज करने पर नारद जी ने वाल्मीकि को ईश्वर को वंशीय रामचंद्र को सबसे श्रेष्ठ आदर्श मानव बतलाया। रामचंद्र सदा शांतचित रहते थे, वे बड़ी कोमलता मृदुता के साथ बोलते थे, किसी प्रकार किए गए एक भी उपकार से वह संतुष्ट हो जाते थे, परंतु सैकड़ों भी अपकार को कभी स्मरण नहीं करते थे। सीता चरित्र भगवती जनक नंदिनी के शील सौंदर्य के ज्योत्सना किस व्यक्ति के हृदय को शीतलता शांति प्रदान नहीं करती है। जानकी का चरित्र भारतीय ललना के महान आदर्श का प्रतीक है। रावण के बारंबार प्रार्थना करने पर भी सीता ने जो अवहेलना सूचक वचन कहा है वह भारतीय नारी के गौरव को सदा उद्घोषित करता रहेगा। इस निशाचर रावण से प्रेम करने की बात तो दूर रही, मैं तो इसे अपने पैर से नहीं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती। चरणे नापी सव्ये न स्पृशयम निशाचरम रावणम किम पुनरम कामयम विगर्हितम। रावण की मृत्यु के अनंतर राम ने सीता के चरित्र की विशुद्धि सामान्य जनता के सामने प्रकट करने के लिए अनेक कटु वचन कहे। उन वचनों के उत्तर में सीता के वचन इतने मर्मस्पर्शी है कि आलोचक का हृदय आनंदातिरेक से गदगद हो जाता है। मेरे चरित्र पर लांछन लगाना कदम अति उचित नहीं है। मेरे निर्बल अंश को आपने पकड़ कर आगे किया है, परंतु मेरे सबल अंश को पीछे धकेल दिया है। नारी का दुर्बल अंश है उसका सतीत्व, उसका सबल अंश है उसका पत्नीत्व तथा पातिव्रत। नरशादुर, आप मनुष्य में श्रेष्ठ हैं, परंतु क्रोध के आवेश आपका यह कहना साधारण मनुष्यों के समान है। आपने मेरे स्तित्व को तो दोषारोपण करने के लिए आगे किया है, परंतु आपने इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि बाल कथन में ही आपने मेरा पानी ग्रहण किया। आपकी मैं शास्त्र अनुमोदित धर्म पत्नी हूँ, मैं आपकी भक्ति करती हूँ तथा मेरा स्वभाव निश्चल और पवित्र है। आश्चर्य, आप जैसे नरसाधु ने मेरे स्वभाव को, भक्ति को तथा पानी ग्रहण को पीछे ढकेल दिया, केवल स्तित्व को आगे रखा। तो कुछ नरसाधु क्रोधम एवानुवर्तता लघुने मनुष्येन स्थितत्वेन पुरस्कृतम न प्रामाणिकत पाणी बाल्ये बालेन पीड़ित मम भक्तिश्च शीलम च सर्वम ते पृष्ठतः कृतम। कितनी ओजस्विता भरी है इन सीधे साधे निष्कपट शब्दों में। अनादृता भारतीय लन्ना का यह हृदोद्गार कितना हृदय वेदक है। सुनते ही सहृदय मनुष्य की आंखों में सहानुभूति के आंसू झलक पड़ते हैं। राम और सीता का निर्मल चरित्र वाल्मीकि की कोमल काव्य प्रतिभा का मनोहरम निदर्शन है। रामायण हमारा जातीय महाकाव्य है, वह भारतीय हृदय का उच्छ्वास है। यह मानव जीवन राम दर्शन के बिना निरर्थक है। राम दर्शन उभय अर्थ में राम कर्तृक दर्शन राम के द्वारा देखा जाता है, राम कर्मक दर्शन राम को देखना। राम जिसको नहीं देखते वह लोक में निंदित है, और जो व्यक्ति राम को नहीं देखता उसका भी जीवन निंदित है, उसका अंतकरण स्वयं उसकी निंदा करने लगता है। यश्च रामम न पश्येत्तु यम च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मापि एनम् विनिर्गतये। महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि में चरित्र ही मानवता की कसौटी है। चरित्र से युक्त मनुष्य की खोज तथा उसका विशेष वर्णन ही रामायण का मुख्य उद्देश्य है। वाल्मीकि ने महर्षि नारद से यही जिज्ञासा की है, चारित्रेण च युक्तः। चरित्र ही मानव को देवता बनाता है। इस चरित्र का पूर्ण विकास मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र में ही दृष्टिगोचर होता है। रामचरित्र ही आर्य चरित्र का आदर्श है और वह मानवता की चरम अभिव्यक्ति है। राम में मानसिक विकास की पूर्णता लक्षित नहीं होती, अपितु शारीरिक सौंदर्य का भी मंजुल प्रयोगसान में उपलब्ध होता है। राम में धैर्य का चूड़ान दर्शन हमें मिलता है। साधारण मनुष्य जीवन के
साफल्य भूत राम से, साफल्य भूत राज्य से बहिर्भूत होने पर कितना व्यथित तथा आर्त होता है यह अनुभव हमें भली भांति पता चलता है, परंतु राम के ऊपर इस निर्मम घटना का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे महनीय हिमालय के समान अड़िग तथा अडोल खड़े होकर विपत्ति के दुर्दांत तरंगों को अपने विशाल वक्षस्थल के ऊपर सहते हैं और उनके चित्त में किसी प्रकार का कोई विकार लक्षित नहीं होता है। नवरम गंतु का मत्स्य त्यजस्य वसुंधराम।